हम अंजना को बचपन से जानते हैं, अवश्य ही वो किसी उलझन में है। हमें किसी अनहोनी की आशंका लग रही है। नहीं अंजना, कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला कुछ छुपा सकती हूँ आपसे? बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 कर बाहर निकले, जय 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 बजरंग बली, शाप के कारण बल भूले, जय 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 बजरंग बली, क्या जाने पर शक्ति पाते, जय 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 बजरंग बली, राम लखन को कंधे पर बैठा उड़ते, बजरंग बली, राम भक्त को राम मिल गए, जय 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 बजरंग बली, सिया की खोज में राम दूत सागर लांगे, बजरंगी जय 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 बजरंग बली। महारानी जी, महारानी, महारानी अंजना अब इस दुनिया में नहीं रही। जी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अंजना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं अंजना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अंजना, अंजना आंखें खोलो, अंजना उठो, अंजना, अंजना, अंजना आंखें क्यों नहीं खोलती, अंजना, अंजना अंजना, अंजना, उठो, उठो अंजना, अंजना उठो, केसरी, नहीं केसरी,
केसरी केसरी ये क्या? नहीं नहीं केसरी केसरी अब तो संभालो। धीरज रखो पुत्र, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मारुति का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा पुत्र? धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। आराम से। धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। खाना दो ना माँ। मौसी माँ क्यों नहीं उठ रही है? मौसी नाना जी आप माँ को कहिए ना उठने के लिए। काका क्या हो गया माँ को? कुछ तो कहिए काका, बताइए ना क्या हो गया माँ को? आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए। पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? माँ क्यों नहीं बोल रही है? आप सब लोग बोल क्यों नहीं रहे हो मुझे बताओ ना। साथ नहीं खेलूंगा। उठो माँ उठो माँ। मा।
मारुति, अब तुम्हारी मां नहीं उठेंगी कभी। क्यों नहीं उठेंगी? क्या वो मुझसे फिर रूठ गई है? मारुति, वो अब हम सबसे रूठ गई है। तो मैं माँ को मना लूंगा काका। मारुति, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेगी। उनका जीवन समाप्त हो चुका है। जीवन ऐसे समाप्त नहीं हो सकता। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं मारुति। अब तुम्हारी मां कभी लौट कर नहीं आएगी मारुति। तो ठीक है, यदि ये नहीं आएंगी तो मैं उनके पास जाऊंगा। माँ का जीवन समाप्त हो गया है तो मैं भी अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। तो मैं भी अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। क्या हुआ अंजना? क्या हुआ? क्यों चीख रही थी? कोई सपने देखा? अंजना, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ स्वामी, बहुत बुरा सपना देखा कि मैं। सपने तो भ्रम मात्र होते हैं। चलो सो जाओ। कुछ तो गड़बड़ है, किंतु पता नहीं चल रहा है कि क्या है अंजना के मन में। देखो, महाराज के लिए कब क्या चाहिए, इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। वे कब भोजन करेंगे, कब विश्राम करेंगे, उनके वस्त्र, आभूषण, इन सब चीजों के लिए उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। महारानी जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं कहीं नहीं जा रही हूं, लेकिन अगर चली गई तो मुझे चिंता रहेगी, इसीलिए उनका ख्याल रखने के लिए कह रही हूं। देखो सेनापति, तुम सदा मारुति के साथ ही रहा करो, और वो जब भी महल से बाहर जाए तो उस पर अपनी दृष्टि रखना, और रात को तो महल से बाहर जाने ही मत देना। अरे ना होते बहुत शैतानी करेगा। जो आ गया महारानी।
काकी, आज से सबके भोजन की व्यवस्था आपको देखनी है और आपको मारुति के भोजन की विशेष व्यवस्था देखनी है। किंतु महारानी जी, मारुति तो आपके हाथ से बना खाना ही खाता है और आप ही उसे अपने हाथों से खिलाती हैं। तो ठीक है, किंतु आज से आप उसे खिलाएगी, अन्यथा मैं कभी ना हुई तो वो तो खाना ही नहीं खाएगा। ध्यान रखना, वो कभी भी बिना खाए सोना नहीं चाहिए। मेरा घर, मेरा संसार, मेरा सब कुछ यही तो है। आज मुझे ये सब छोड़कर जाना होगा। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें श्राप मुक्त होकर अलकापुरी वापस चलना है। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। अंजना, कहां जाना है तुम्हें, जो तुम सेविकाओं को काम सुपुर्द कर रही थी? माँ, क्या तुम मुझे भी छोड़कर जाना चाहती हो? हे देवो, हे दानवो, हे यक्षो, तुम सब सुन लो। मैं ये प्रण लेता हूं कि मेरे रहते इस भवन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता।